हेलो दोस्तों, नए साल की फिर एक बार आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम कहीं पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं लैंड में, और एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं जिसमें हम अपना सपनों का एक फार्म हाउस बना सकें, तो आप किसी भी लोकेशन में देख रहे होंगे तो हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन तो एक रॉ लैंड लेना, मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, और दूसरा ऑप्शन रहता है गेटेड कम्युनिटी। दोनों की बराबरी करें करी जाए, कंपेयर करें, तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग ज़्यादा करके देखते हैं कि इंडिविजुअल लैंड मिले, फार्मर की डायरेक्ट मिलती है तो सस्ती मिलेगी। बिल्कुल सही, आपकी जगह पे मैं भी होता तो यही सोचता, क्योंकि अगर गेटेड कम्युनिटी पे लेते हैं तो हर किसी का एक मानना है कि वहाँ पे कोई जगह परचेस करता है, फिर उसमें डेवलपमेंट करता है, रोड बनाता है, लाइट बनाता है, वहाँ पे पानी देता है, तो फिर उसमें प्रॉफिट कमा के फिर बेचता है, तो इसलिए वो महंगी रहता ही। और अगर इंडिविजुअल लैंड की बात करें, किसी की 3 एकड़ है, किसी की 5 एकड़ है, किसी की 1 एकड़ है, तो वो लैंड सस्ती रहती है दोस्तों। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास आपको एक बता दूं कि खोपोली और पाली के बीच में 70 से 80 प्रपोजल ऐसे हैं जिसमें से कई प्रपोजल गेटेड कम्युनिटी में हैं और दूसरे हैं इंडिविजुअल भी हैं, तो उनको सबको देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको सभी वीडियो दिखाई दिए जाएंगे। और दूसरी एक बात कि अगर हम फ़र्क में से सबसे बड़ी बात करते हैं कि अगर हम गेटेड कम्युनिटी में लेते हैं तो हमें वहाँ पे जो क्लब हाउस हो रहा है, वहाँ पे जो सोसाइटी है, उसका खर्चा बढ़ता है, हमें कंपलसरी वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, काफ़ी गेटेड कम्युनिटी की एक बंधन रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ऐसे गेटेड कम्युनिटी हैं, मेरे पास ऐसी प्लॉटिंग है जिनका रेट इंडिविजुअल जैसा ही है, अगर इंडिविजुअल कहीं पे 2 एकड़ 5 एकड़ लें उसी रेट में मैं आपको गेटेड कम्युनिटी में दे रहा हूँ, तो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है और ये सच भी है। क्योंकि आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी अपलोड किए हुए जो प्रपोजल हैं गेटेड वाले, वो सब लोकल की गेटेड कम्युनिटी है। मतलब वहाँ पर ना तो बड़ा क्लब हाउस रहेगा, ना तो बहुत ही एमिनिटी एक्स्ट्रा रहेगी, ना तो हॉर्स राइडिंग रहेंगी, ना तो वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर रहेंगे। तो कहने का मतलब, मेरे पास ऐसे प्लॉटिंग्स हैं जो कि ऑनलाइन गूगल पे नहीं दिखते, उनकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, इसलिए मजबूरन आप लोगों तक वो प्रपोजल ऑनलाइन नहीं पहुंचते, आप उसे गूगल पे सर्च नहीं कर सकते और वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और ये जो लोकल के छोटे मोटे डेवलपर्स हैं जो 10 एकड़ लिया है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ अपने मर्जी से बेच रहे हैं, सेम एमिनिटी देके, मतलब रोड लाइट कंपाउंड गेट मार के, तो उनका माल पड़ा हुआ रहता है, उनके माल को सेलिंग स्पीड में नहीं होती। लेकिन जब मेरे जैसे कोई या फिर और 3-4 अलग अलग छोटे मोटे ब्रोकर उनको प्रोवाइड करते हैं कि ये कस्टमर आए हैं, तो वो रिजनेबल में देते हैं, क्योंकि उनका जो ख़रीदा हुआ माल है वो उन्होंने कम में ख़रीदा हुआ होता है, और ज़्यादातर प्रॉपर्टी उनकी खुद की रहती है, उनके अपनों की रहती हैं, तो उसमें अगर वो तार कंपाउंड गेट मार के देते हैं तो वो हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है, उसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग ज़ीरो है, और आने के बाद वो आपको कम रेट में निगोशिएबल करके रोड लाइट कंपाउंड गेट मार के देते हैं। उसी तरीके से ये जो मैं आपको दिखाऊंगा आज, ये वो प्लॉटिंग है जो कि है लोकल की, छोटे स्तर पे है, लेकिन आपको बड़े प्रोजेक्ट को भी एक शर्मिंदगी महसूस होगी, इस तरीके से अच्छी प्रॉपर कमिटमेंट के हिसाब से एमिनिटी इन्होंने दे रखी है, और वहाँ पे लोगों ने घर बना के भी रखे हैं, 6-6 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए। प्रोजेक्ट है ये, 25 एकड़ का प्लॉटिंग है लोकल डेवलपर्स का, जिसमें से सिर्फ 3 प्लॉट अवेलेबल हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 जो 25 एकड़ में था वो पूरा सोल्ड आउट है। 8 से 10 यहाँ पे बंगले भी बने हुए हैं, प्लांटेशन कर रखा है, और अच्छी बात जो कमिटमेंट करते हैं, रोड लाइट पानी ये सब दिया हुआ भी है, और ये इतना सस्ता है कि इसी लोकेशन में इस रेट में आपको एक भी बड़े प्रोजेक्ट की, कंपनी के प्रोजेक्ट की कोई भी प्लॉटिंग नहीं है। अब बात करता हूँ खोपोली पाली के बीच में, उसके आसपास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके प्राइस 25 लाख में आधा एकड़ है, वो भी निगोशिएबल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जिस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्लॉटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लोकल का और सस्ता, बिना मार्केटिंग वाला। ये देखिए, ये इनके हैं अप्रोच रोड। हालांकि मैं मानता हूँ रोड इतने मजबूत नहीं है, रोड इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इनके प्राइस के हिसाब से अच्छी एमिनिटी दी है, ठीक ठाक रोड है, रोड आपको कच्चे ही हैं,
इतने भी कच्चे नहीं कि मिट्टी के हैं। और दूसरी एक अच्छी बात देखिए ना कि लोगों ने यहाँ पे भरोसा किया है, लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप अनजान हैं, आप पहले अकेले ले रहे हो। और वो ऐसे होता है ना कि आपने पहले ले लिया, सबसे पहले बातों में आके आप अकेले हैं और वही आप लास्ट तक अकेले ही बने रहे, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन कर रखा है, यहाँ पे पानी मारता है केयरटेकर, केयरटेकर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लोग यहाँ पे महीने में एक बार दो बार ये फार्म हाउस के ओनर आते हैं। कमिटमेंट के हिसाब से मैंने जैसे आपको कहा प्रॉपर सीमेंट के पोल मार के एक वायर फेंसिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आई हुई है। ये दूसरा बंगलो है, ये देखिए लाल चिरे में बंगले बनाए हुए हैं, जो कि आजकल रेड स्टोन की फैशन निकली हुई है। और ये सभी प्लॉट जो दिखा रहा हूँ ये फेज़ वन फेज़ टू के हैं, जो कि 25 एकड़ में सब सोल्ड आउट है। अभी तीन प्लॉट है अवेलेबल जो मैं दिखाता हूँ। ये जस्ट मैं आपको एमिनिटी के हिसाब से और ग्राउंड लेवल पे आप जब आए तो आपको डर ना लगे, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई रहता है, यहाँ पे भी कोई आता है। हालांकि ये लोग परमानेंटली नहीं रहते, लेकिन इनके केयर टेकर यहाँ पे कपल 24 आवर्स रहते हैं और ये सब पेड़ों की वो निगरानी करते हैं। ये रिसेल एक प्लॉट है, ये देखिए ये दूसरा प्लॉट है, ये पहाड़ पे चढ़ाई पे, यहाँ पे भी प्लांटेशन कर रखा है। प्लांटेशन दिखाने का भी एक मकसद है कि यहाँ पे मिट्टी अच्छी है और यहाँ पे पानी है, तभी यहाँ पे पेड़ आए हुए। क्योंकि ऐसी जगह मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि जो खाली क्लीन किया हुआ है, लाल निकाली हुए है, कोई प्लांटेशन नहीं। आपके मन में सवाल हो पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, मिट्टी में पेड़ जमेंगे कि नहीं जमेंगे, ये भी काफ़ी समस्याएं होती है। क्योंकि फार्म हाउस को दोस्तों पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, पानी फार्म हाउस के लिए बहुत लगता है पेड़ों में। ये देखिए हाफ हाफ एकर के ये प्लॉट के साइज है, जिनको ये 25 लाख रुपए हाफ एकर उसमें भी निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये घर का माल है, किसी से परचेस नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये इंटरनल रोड है। यहाँ पे जेसीबी पोकलेन यहाँ पे चालू है, ये फेज 3 रिलीज कर रहे हैं, जो कि 70 से 80 एकड़ का है। यहाँ पे डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। ये वही बात है ना दोस्तों कि काफ़ी लोगों का माल बिकाऊ रहता है लेकिन आप तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो ऑनलाइन मार्केटिंग करना नहीं जानते, वो डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं जानते, गूगल पे ऐड देना उनको नहीं समझ में आता, लोकल के माउथ पब्लिसिटी से उनके प्लॉट सेल हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2 साल पुराना है, 2 साल में इन्होंने 25 एकड़ बेचा, हालाँकि स्पीड बहुत कम है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इनको नहीं आती, खाली रेफरेंस से। और कभी भी देखिए जो रेफरेंस से क्लाइंट आते हैं, जो रेफरेंस से जो हमारी मार्केटिंग और बिजनेस होता है, चाहे मेरा खुद का मार्केटिंग का हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का, रेफरेंस से आया हुआ आदमी श्योर शॉट लेता ही है, एक अच्छा बिजनेस ग्रो करता है। ये देखिए ये जो ये है इस तरीके से, लोगों ने बंगले बनाए हुए हैं। ये सेकेंड फेज मैं आपको बोला था, फेज 3 ये चालू हो रहा है पूरी डेवलपमेंट के साथ में। ये अप्रोच रोड है जो मेन रोड को कनेक्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट रोड को। ये भी एक प्लॉट है, ये भी सोल्ड आउट है, प्लांटेशन अच्छा है, नेचर है यहाँ पे। और खोपोली पाली पे जितने भी प्रोजेक्ट है आप गूगल पे देखिए, 25 लाख में हाफ एकर ऐसा एक भी मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट है। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे 10 से 12 गेटेड कम्युनिटी है लोकल के, उनमें से भी सबसे चीप है और सबसे सस्ता ये है। अब हम देखेंगे दोस्तों वो प्लॉट जो अवेलेबल है। ये है अप्रोच रोड,
काफ़ी चौड़ा अप्रोच रोड है। गवर्नमेंट रोड है ये। ये था हमारा प्रोजेक्ट। प्लॉटिंग की अच्छी बात की, प्लॉटिंग के इस तरफ भी कुछ सर्वे नंबर आए हुए हैं, तो इन लोगों ने भी वो बंगलो बनाए हुए हैं। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे बस्ती है, सब फार्म हाउस वाले हैं। थ्री-फेज इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया हुआ है। पानी वाली जगह है इसलिए ये पूरा हरा भरा है दिसंबर महीने में भी। ये फेज और फेज वन और फेज टू में ये इंक्लूड होता है पूरा हिस्सा, जो कि पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। काफ़ी लोग इसमें यहाँ पे बुकिंग भी लेते हैं, होम स्टे के रूप में यहाँ पे लोगों ने फार्म हाउस बनाए, सैटरडे संडे बिजनेस कर सकें। आजू बाजू की डेवलपमेंट दिखाने का मतलब कि यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की हुई है, लोगों ने फार्म हाउस भी बनाए हुए हैं, और जिसने फार्म हाउस नहीं बनाए, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उन्होंने प्लांटेशन करके छोड़ दिया है। वो हमने देखा पहले, वो था फेज वन, ये हिस्सा है फेज टू, ये अंदर की तरफ गया है दोस्तों। ये जो प्लॉट है जिसमें प्लांटेशन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कमिटमेंट के हिसाब से प्रॉपर कनेक्शन दिया है पानी का, ये पानी का कनेक्शन है, और इसको लग के ये प्लॉट है, ये वाला प्लॉट। ये पूरा प्लॉट आपको क्लीन करके दिया जाएगा। ये पूरा प्लॉट है जो यहाँ तक टच होता है, ये सर्वे का पोल है। अभी हम प्लॉट अंदर से देखते हैं। 80 से 85 मीटर गवर्नमेंट रोड फ्रंटेज, साथ में इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है। ये प्लॉट अवेलेबल है सेल के लिए। प्लॉट के जस्ट सामने एक रेडी फार्म हाउस है, तो आपको बोलने बताने के लिए और सेफ्टी के लिए ये एक अच्छा है। ये प्रॉपर गवर्नमेंट रोड है जो आगे जाता है एक गांव में। यहाँ से गांव सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। ये प्लॉट यहाँ से चालू होता है दोस्तों। ये भी रास्ता प्लॉट की तरफ जाता है। प्लॉट के बाजू में एक छोटा सा नाला है, ये बारिश में तो बहुत ज़ोर से बहता है, लेकिन इस दिन में सूख जाता है, यहाँ पे पानी नहीं रहता। सिर्फ इसका मज़ा, इसका लोकेशन का व्यू आपको बारिश में मिलेगा। प्लॉट है हाइट पे, जहाँ से हमें सराउंडिंग का एरिया भी दिखाई देता है। लाइट की वायर है ये। इस प्लॉट में काजू के 5 से 6 पेड़ है। ये काजू के पेड़ हैं दोस्तों, पुराने पेड़ हैं, 10 साल पुराने होंगे। बाजू में ही रेडी और एक अच्छा डेवलप किया हुआ फार्म है, उसमें तो कंस्ट्रक्शन नहीं किया, पानी की टंकी उनकी रखी हुई है। ये देखिए, ये है पूरा प्लॉट। ये प्लॉट का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, काफ़ी पत्थर डाले भी गए हैं, और यहाँ पे रियल में भी एक्चुअली ये पत्थर ज़मीन से नीचे आया हुआ है। यहाँ पे सभी पत्थर को इकट्ठा करके बंगलो बनाने का प्लान था इनका, बंगलो बना के सेल करने का। यहाँ पे बंगलो इसलिए बनाने का प्लान था क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन खोदने की और खोद के उसमें पत्थर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा रॉक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भराव करना पड़ेगा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बाजू में पूरा डेवलप फार्म है।
उसके बाजू में किसी का घर बना हुआ है, ब्लू कलर की टाकी है, और ये पूरा है हाफ एकर का प्लॉट जो कि सेल के लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट रोड टच। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी दो छोटे छोटे फार्म हाउस बनाए हुए हैं लोगों ने, और वीकेंड में भी आते भी हैं, उनके केयर टेकर रहते हैं यहाँ पे कपल के साथ में। गांव यहाँ से 300 मीटर पास में होने की वजह से आपको केयर टेकर तुरंत मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है गांव में ज़रूरतमंद की सामान भी मिल सकता है। मेन मार्केट, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, एटीएम, बैंक, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मंदिर, मस्जिद और जैन मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से 8 किलोमीटर पे पाली, ये बहुत बड़ा शहर पड़ता है, पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर जो यहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। पाली तालुका भी है, तहसील भी है, ताकि पाली से आपको मुंबई जाने के लिए बसेस, एसटी बसेस मिल जाएंगी। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो आपको नागोठने स्टेशन आना पड़ेगा। नागोठने से पाली आने के लिए शेयरिंग ऑटो 30 रुपये लेती है। नागोठने से पाली ये डिस्टेंस साधारणतः 15 किलोमीटर है, और पाली से ये 8 से 10 किलोमीटर पकड़ के चलिए ये डिस्टेंस है। मतलब आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन आप दूसरे रूट से भी आ सकते हैं खोपोली तक, खोपोली से खोपोली पाली डायरेक्ट एसटी चलती है हर एक घंटे पे गवर्नमेंट की। खोपोली ट्रेन से आने के बाद आप एसटी से पाली आइए, और पाली से यहाँ पे 6 सीटर एक ऑटो रहता है, शेयरिंग ऑटो, वो 20 रुपये लेता है, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रात में भी अगर आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो बाजू में गांव है, वहाँ पे ऑटो है जो गांव से पाली की तरफ जाते हैं, तो ऑटो आप करके, प्राइवेट ऑटो करके आप 300 रुपये में पाली जा सकते हैं। ये प्रपोज़ल बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ढेर सारे नए नए प्रपोज़ल आपको रोज़ 10 से 11 के बीच देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कल मैं आपको बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि लैंड में जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम ब्लैक में जो अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को लीगल कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि जो ब्लैक में जो हम पैसा देते हैं उस पैसे का कहीं भी लेखा जोखा नहीं होता, तो उस पैसे के किस पेपर पे उसको मेंशन किया जाता है एडवोकेट के थ्रू, वो हम अगले अपने एपिसोड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ब्लैक अमाउंट देते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और किसके सामने किस पेपर लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने चाहिए ब्लैक अमाउंट लेने वाले का, ताकि फ्यूचर में कोई पलटी ना मारे, कोई मुकर ना सके, कोई भी सेलर के मुझे पैसा नहीं मिला। तो ये जानकारी आप ज़रूर सुनिए अगले मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करिए। ये जो प्लॉट है, ये हर एक प्लॉट की फिर एक बार बताता हूँ, साइज़ है 20 गुंठा, प्राइस है 25 लाख रुपये, निगोशियबल विथ ऑल एमिनिटी, जिसमें लाइट है, पानी है, रोड है, 4 साइड कंपाउंड, मार्केट गेट है, सीमेंट के पोल मार के कंपाउंड होगा, वाल का नहीं। थैंक यू, गुड बाय।